एक्वेरियम हॉबी जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे सामने सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि कौन सी फिश हमें रखनी है, किस फिश के साथ में अपनी हॉबी स्टार्ट की जाए, कौन सी फिश रखी जाए, क्या किया जाए। एक्वेरियम शॉप पे जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि बहुत सारी फिशेज होती हैं, तरह तरह की फिशेज होती हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है क्या फिश रखी जाए, किस से स्टार्ट किया जाए। तो आज आपको मैं सजेस्ट करता हूँ एक फिश, आप इजी स्टार्ट कर सकते हैं अपना एक्वेरियम। केयरिंग बहुत कम है, मरती नहीं है ज़्यादा और अच्छे से रखेंगे, कलर्स बहुत सारे मिलेंगे, फर्स्ट क्लास फिश है। इस फिश को कहते हैं चिकलेट। तो आज आपको दिखा रहे हैं चिकलेट कम्युनिटी टैंक। चिकलेट कम्युनिटी टैंक आप बनाएंगे, इसके साथ आप इंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा बॉस। आप एक बार ट्राई करके देखिए, जब अगर आप बिगनर हैं तो इस फिश के साथ एक बार ट्राई करके देखिए, शुरुआत कीजिए। तो आज आपको मिलवाते हैं हम मिस्टर अनिल कुमार से, जिनका ये एक्वेरियम है, इतने अच्छे से मेंटेन किया है इन्होंने चिकलेट टैंक एक्वेरियम। तो इनसे पूछते हैं कैसे मेंटेन करते हैं, क्या ये केयर करते हैं, किस तरह से इन्होंने इतना अच्छा एक्वेरियम संभाला हुआ है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हॉबीस्ट हूँ और मेरे को 20-25 साल करीब इस लाइन में हो गया है। 20-25 साल अनिल भाई को इस एक्वेरियम हॉबी में हो गया है, एक्सपीरियंस देखिए इनका, एक्सपीरियंस बहुत था बॉस। और ये तभी एक्वेरियम इनका इतना साफ है, तो बताइए इतना क्लीन एक्वेरियम कैसे रख पा रहे आप? जी मैंने फिल्ट्रेशन करा है, ये मेरा एटमैन का फिल्टर है जो कि फिल्ट्रेशन के लिए है, और मैंने सम ऊपर बनवाया है मिस्टर वीरेंद्र जी से, इन्होंने ही मेरे को सजेस्ट करा था कि ये फिल्ट्रेशन आप बनवा लीजिए, आपका एक्वेरियम बिल्कुल क्लीन रहेगा। मैं महीने या दो महीने में अपना ये फिल्ट्रेशन का पूरा क्लीन करता हूँ, तब बिल्कुल क्लीन रहता है, मेरे को ज़्यादा कुछ मेहनत ज़्यादा करनी नहीं पड़ती। दो तीन महीने में एक बार ये सम क्लीन करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं जरूरत पड़ती। पहला पॉइंट तो यहाँ पर सीखने को हमें मिलता है कि हम अगर सम फिल्ट्रेशन रखें बेहतर रहता है, आपका एक्वेरियम इसी तरह क्रिस्टल क्लियर रहेगा, फिशेज एकदम फर्स्ट क्लास घूमेगी, इंजॉय करेगी। अनिल भाई, सेकंड बात मैं आपसे जो पूछने वाला हूँ कि इनको खाने में आप क्या देते हैं? इनको खाने में मिक्स फूड देता हूँ, हिटकारी देता हूँ और हिटकारी ऑप्टिमम मिक्स करके इनको मोटा दाना और दो पतला वाला दाना, जैसे चिकलेट बच्चे होते हैं या थोड़ी बड़ी है तो दोनों खा सकती हैं। मतलब आप डाइट इनकी मिक्स कर देते हैं, कोई एक खाना आप नहीं डालेंगे, प्रॉपर खाना नहीं, दोनों बैलेंस रहता है। तो पॉइंट ये मिलता है अनिल भाई से कि फूड हम जो अपने फिशेस को दे रहे हैं वो जितना हो सके मिक्स करके डालें, कोई एक फूड डालेंगे तो देखो सीन क्या है, मान लिया अगर हम डेली एक ही सब्जी खाते, दाल रोटी खा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा हम भी बोर हो जाएंगे, बीच बीच में हमें भी कुछ नया खाना चाहिए, नया फूड चाहिए। तो उसी तरह से हमारी फिशेस भी बोर होती हैं, उनको भी कुछ ना कुछ हमें नया खाना देना होता है, नया फूड देना होता है। तो वही सेम चीज़ अनिल भाई ने यहाँ पर रखी हुई है कि यहाँ पर खाने की वेराइटी चेंज कर रहे हैं, हिकारी चिकलेट पैलेट डाल रहे हैं, ऑप्टिमम डाल रहे हैं, श्रिंप डाल रहे हैं, बहुत सारी वैरायटी ये मिक्स करके फिशेस को डाल रहे हैं। तो कभी ब्रीडिंग वगैरह हुई इनकी? ये पैरेट को छोड़ के और शक्कर कैट को छोड़ के सारा ही मेरा घर का ब्रीड है, ये होम ब्रीड की आपने सब? ये सब होम ब्रीड है, पैरेट और सिल्वर डॉलर और ये छोड़ के बाकी सारा होम ब्रीड है। पैरेट, सिल्वर डॉलर और अपसाइड डाउन कैट को छोड़ के बाकी जितने चिकलेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये सब अनिल भाई का होम ब्रीड है। ये शाम को छोटे बच्चे भी घूम रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, ये सब इनका यहाँ पे अपना कलेक्शन है। अच्छा लगता है अनिल भाई, कैसे मतलब कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे ब्रीड करा लेते हैं आप इनके साथ में? ये जब थोड़ी बड़ी हो जाए, एक साल फिश हो जाएगी, उसके बाद ये पेयर बना लेती हैं। पेयर बनाने के बाद ये मुँह में एग्स रख लेती है, मेल फीमेल फीमेल मुँह में एग्स रख लेती है। एग रखने के 3-4 दिन तक मैं इसको अपना इसी एक्वेरियम में फिश को रखता हूँ, फिर उसके बाद फीमेल फिश को मैं सेपरेट टैंक है मेरे पास, वहाँ पर उनमें मैं अलग कर देता हूँ फीमेल फिश को। यहाँ पर हमारे सेपरेट टैंक रखे हुए हैं, 2 सेपरेट टैंक रख रखे हैं मैंने, इनमें मैं अपना फीमेल फिश को अलग कर देता हूँ। करीब 15 से 20 दिन में भी 15 से 25 दिन के अंदर उसमें से बेबीज निकल जाते हैं एग्स में से। तो देखा आपने, आपको ये भी इन्होंने एक टिप्स दी है किस तरह से अपने बेबीज़ को हमें बचाना है, कैसे उसको सेपरेट करके ग्रो कराना है। तो बेबीज़ को खाने में फिर क्या डालते हैं आप? बेबीज़ को यही जो दाना मैं रेगुलर इनको देता हूँ उसको क्रश करके बेबीज़ को दे देता हूँ। करीब बेबीज होने के 15 दिन बाद फीमेल को अलग कर देता हूँ और बेबीज उसी में रहते हैं। अच्छा, उसके अलावा कोई अलग से फूड नहीं? वही फूड उसी में उसी को देते हैं जो नॉर्मल फिशेज को देता हूँ मैं। देखिए इनके टाइम में वो घूम भी रहे हैं बेबीज, तो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने बचाया बेबीज़ को और बड़े अच्छे से केयर भी किया है। बहुत अच्छा लगता है कि इस टाइप का हॉबी मिले, उससे दूसरे को सीखने को। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं और हॉबिस्ट को भी ये दिखाऊँ कि किस तरह से एक्वेरियम को क्लीन रखा जाता है, किस तरह से मेंटेन किया जाता है, फिशेज इतनी हेल्दी कैसे रह रही है, कैसे रखनी है, ब्रीड करना है तो कैसे कराना है। देखो कलर मेंटेन देखो कितना अच्छा है,
फिल्ट्रेशन, पानी का फिल्ट्रेशन देखिए आप, पानी क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे। इसी तरह का फिल्ट्रेशन होना चाहिए, इसी तरह से ब्रिड होना चाहिए, इसी तरह से केयरिंग, इसी तरह से फूड देना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें आज सीखने को मिली अनिल भाई के पास आके, और ये वीडियो मुझे लगता है आपको अच्छा रहेगा, यूज़फुल रहेगा, और आगे भी हम ऐसी वीडियो बना के आपको दिखाते रहेंगे। उसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।